हेलो एवरीवन, दिस इज जुहेब अवान। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग जेबी व्लॉग। भाई बात करेंगे आज के होने वाले मैच की। सबसे पहले बात होगी बॉलिंग की, क्योंकि भाई हमने की है पहले बॉलिंग पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या ही मैच हुआ, जबरदस्त मैच, लेकिन इंतहाई नाकिस बॉलिंग, जिसमें हारिस रऊफ, शाहीन और हसन अली बेकार परफॉर्मेंस रही। भाई दिल खुश नहीं किया, मज़ा नहीं आया उनकी बॉलिंग में, सिर्फ जान लगी है, कोई स्विंग नहीं था। आज भी सेम पोजीशन थी, उसी तरह छक्के पड़ रहे हैं। 8-8 ओवर, 10-10 ओवर में 80 रन 90 रन हारिस रऊफ शाहीन को पड़े हैं आज भी। क्या खेला विलियमसन ने, भाई लग रहा था विलियमसन जिस तरह खेल रहा है और जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रहा है, 400 का टारगेट पहले ही नज़र आ गया था। और हमने इन्होंने लाए राजून पढ़ लिया था आज के मैच पे, क्योंकि आज के मैच से ये उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान जीता तो कुछ चांसेस हैं हमारे सेमीफाइनल में जाने के। 400 रन का टारगेट देख के भाई मैं तो निकल गया था शॉपिंग पे। मैंने कहा यार कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं रखा इन कामों में, तो बेहतर है कि आप आज के काम धंधे करें। आज वैसे ही वीकेंड था, तो भाई जब हम खाना खाने बैठे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे टीवी पे नज़र पड़ी, तो भाई हालात बदल चुके थे, मामलात बदल चुके थे, समा बदल चुका था। फ़खर की इनिंग देखी, फ़खर ने यार क्या ही खेला, उसके लिए मतलब सलाम है। वाकई यार फौजी लड़का है वो, और उसने जिस तरह परफॉर्मेंस की, जिस तरह उसने आज छक्के मारे, क्या पावरफुल हिटिंग है, क्या उस बंदे में जान है। दिल खुश कर दिया फ़खर ने, और फ़खर की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। साथ उनके बाबर खड़े रहे, बाबर ने जो है कोशिश तो बहुत की कि किसी तरह छक्के चौके लग जाए, लेकिन बाबर फिर भी विकेट पे रहे और एक विकेट आउट हुआ हमारा अब्दुल्ला शफीक, लेकिन उसके बाद विकेट हमारी नहीं गिरी। और बहुत अच्छा, मतलब यार समझ नहीं आ रहा यार इस पाकिस्तान टीम का कि होगा क्या। अनप्रिडिक्टेबल टीम है भाई, अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए मज़ा ही नहीं आता। दोबारा चांसेस हैं भाई सेमीफाइनल में जाने के, और अगर 400 रन का टारगेट चेज हो गया ठीक है, तो ये मतलब आप जो सामने वाली टीम है ना, उनके लिए टांगे कांपने वाला माहौल बन जाता है कि भाई पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम, 400 रन का टारगेट चेस कर चुकी है, शुरू वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, हारने को हम नीदरलैंड, इंग्लैंड, कीनिया, मतलब छोटी टीमें जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कीनिया, इनसे हार जाएंगे। लेकिन अगर जीतने की बारी आएगी तो भाई हम ऑस्ट्रेलिया को भी मार देंगे, न्यूजीलैंड को भी मार देंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इंडिया को भी मार देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी मतलब गेम ही नहीं है ना बॉस, बात यह है कि कोई बात नहीं, आज उनका टाइम है, कल हमारा टाइम आएगा, इंशाल्लाह इंडिया को भी मारेंगे। और अल्लाह करे हम सेमीफाइनल में पहुंचे और हमारा मैच इंडिया से पड़े, तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है और कौन जीतता और कौन हारता है। नो डाउट इस वक्त इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, टॉप क्लास बैट्समैन, बॉलर्स के मैं खुश नहीं हूँ यार उनके, शामी, सिराज, कोई तो गेम है बॉस, इनको टॉप रैंकिंग में लाने का गेम हो रहा है, कोई तो कोई चक्कर है। इतने अच्छे, इतने परफेक्ट बॉलर नहीं है भाई वो कि वो टॉप रैंकिंग पे आ जाए। 12 रन की बात करेंगे फिर किसी और वीडियो में। फ़खर भाई दिल खुश कर दिया, क्या कमबैक किया, इस तरह होता है कमबैक भाई, फास्टेस्ट 100, माशाल्लाह, दिल खुश किया। और परफॉर्मेंस देख के लगा कि यार वाकई आज पाकिस्तान फाइट कर रहा है, क्योंकि पिछले कई मैचेस में हमें फाइट देखने को नहीं मिली। वर्ल्ड कप बहुत फीका सा रहा, कुछ इस तरह के मैचेस ही नहीं हुए कि फील ही नहीं आई थी कि वर्ल्ड कप है। साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह फाइट की, आज उससे अच्छी फाइट आज न्यूजीलैंड के मैच में देखने को मिली। ये जीत वो वाली जीत नहीं है कि दिल से खुशी हो कि यार हम जीत गए, क्यों, क्योंकि अगर हम 400 रन टारगेट जो है ना वो चेस करते, बाबर 100 करता या फ़खर 150 या पौने 200 रन मारता या कोई और हमारा प्लेयर आ गया 100 करता, तो फिर मज़ा आता कि यार हमने 400 रन चेस किए और सामने वाली टीमों में डर रहता। लेकिन उसके बावजूद भी भाई DLS मेथड के थ्रू हमारी जीत हुई, ये था भाई आज का कुदरत का निज़ाम, इसको कहते हैं भाई पाकिस्तान के लिए कि कुदरत का निज़ाम अभी बाकी है, और वही हुआ आज। जहां हमारी उम्मीदें ख़त्म हो रही थी वहां अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा कर दिखाया और बारिश शुरू हो गई, और बारिश की वजह से, DLS मेथड की वजह से भाई आज पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड से जीत चुका है। और अब देखना होगा, असल में अब हम फंस जाते हैं मिक्स चार्ट में कि ये इससे हारे, ये उससे हारे, न्यूजीलैंड यूँ हारे, अफगानिस्तान यूँ हारे, तो हम जाके कहीं ऊपर आएंगे। अभी भी मामला जो है वो थोड़े से पेचीदा है, अभी भी खिचड़ी है, तो अभी देखना होगा कि भाई पाकिस्तान को अगला मैच जीतना ज़रूरी है और न्यूजीलैंड को अपना अगला मैच हारना ज़रूरी है। तो अभी भी कुछ मामला ऐसे हैं कि अभी कुछ वेट करना पड़ेगा कि भाई हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो बॉलिंग हमारी हो रही है, हारिस रऊफ शाहीन इंतहाई थर्ड क्लास बॉलिंग, मज़ा नहीं आ रहा यार उनकी बॉलिंग में, कुछ भी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही। हारिस रऊफ
सिर्फ और सिर्फ भाई आग के गोले मार रहा है, लेकिन उससे हो कुछ भी नहीं रहा, ना टर्न हो रहा है ना स्विंग हो रहा है। सेम शाहीन की कंडीशन है, 350 रन के बाद उसामा मीर से या पता नहीं किससे भाई अब्दुल्ला शफीक से आई थिंक कैच छूटा था, तो उस पर उसने बोला ओ माय गुडनेस, अरे भाई पहली 350 पड़ गए, 35 ओवर में आपको ये टारगेट चेस करना था, छूट भी गया, तो खैर है कोई टेंशन नहीं है, तो अल्लाह ने भाई कुदरत के निज़ाम लेकर आए, बारिश हो गई आप जीत गए, वरना तो हालात बड़े मामला पेचीदा थे, जिसके तो मैं तो निकल गया था अपनी कामों से। बहरहाल भाई बड़ी खुशी हुई, और अभी भी हम अपने बॉयज़ को बकअप करेंगे, सपोर्ट करेंगे ग्रीन टीम को। और बाहर भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हसन अली ने कहा था कि कोई भी काम होता है तो हम बाहर भाई को बोलते हैं, हमारा किंग कर लेगा, बब्जी भाई कर लेगा, तो बब्जी भाई आप अपना कुछ जादुई करिश्मा दिखाएं और कुछ करें यार, अगली मैचेस में कुछ 100-150 करके दिखाएं, ताकि हम भी फ़ख्र से ये शर्ट वर्ट उतार के बोले हाँ भाई हमारा भी किंग है, नंबर वन है, तो कुछ हमारे भी बोलने जैसा कुछ छोड़ो भाई, सब अपने लिए रखा हुआ है तुमने, नंबर वन है। तो भारत भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।